हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। फ्रेंड, आज मैं अपने बॉक्स को चेकिंग कर रहा था कि कैसा नेटवर्क फ्लो चल रहा है, क्या हाल है बॉक्स के। तो मैंने चेक किया कि इसमें क्वीन सेंट बने हैं दोस्त, काफ़ी ज़्यादा मधुमक्खियाँ एक्टिव इस बार। और मैंने इसमें चेक किया कि क्वीन सेल बन रहे हैं और क्वीन सेल में एक्टिंग भी दी है। तो मैं क्या करूँगा, इस क्वीन सेल को रिमूव कर दूँगा। ये देखिए, स्वार्म करने की कोशिश कर रही थी मक्खियाँ, तभी मैंने अंदर खोला तो फिर मैंने इसे थोड़ा कंट्रोल कर लिया, मैंने क्वीन को केस में डाल दिया। फ्रेंड, मैं अभी स्वार्म नहीं जाता, क्या हो गया है मधुमक्खियों को जो अभी स्वार्म कर रही है मक्खियाँ। और ये पूरा झुंड बाहर आ गया था जब मैंने ज़्यादा धुआं दिया, तो ये पूरा बाहर आ गया। और एक बॉक्स में इसमें भी स्वार्म हो रहे थे, और एक नीचे है मेरा बॉक्स, उसमें भी काफ़ी बड़े क्वीन सेल बने, उसको भी दिखाएंगे आपको। और मधुमक्खियाँ स्वार्म कर रही थी फ्रेंड, काफ़ी ज़्यादा निकलने की कोशिश कर रही थी। मैं थोड़ा दूर था तो मेरे घर वालों ने मुझे आवाज़ भी दी कि मधुमक्खियाँ भाग रही है, तो मैं जल्दी जल्दी आया तो मधुमक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा निकल चुकी थी। और देखिए, इस तरह मधुमक्खियाँ स्वार्म कर रही थी। देखिए फ्रेंड, आप काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये स्वार्म बॉक्स है मेरा, और पूरा ये छत्ते से भी भर चुका है, और हनी भी आजकल काफ़ी अच्छा आ रहा था, और मधुमक्खियाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण मधुमक्खियाँ स्वार्म कर रही थी फ्रेंड। अगर मैं इस स्वार्म को होने नहीं दूंगा फ्रेंड, क्योंकि अगर ये स्वार्म हो जाएगा तो भी कॉलोनी पड़ जाएगी। अभी थोड़ी बहुत ब्रूडिंग चली है, एक ये महीना और अगला महीना बचा है नेक्टर फ्लो के लिए, उसके बाद नवंबर में तो नेक्टर फ्लो कम हो जाता है, मतलब ना के बराबर ही आता है, थोड़ा थोड़ा ही आता है, जिससे मधुमक्खियों की ज़रूरत ही है। देखिए कितना बड़ा स्वार्म निकल रहा है फ्रेंड, आप देखिए अभी भी मेरी मधुमक्खियाँ स्वार्म कर रही है, मगर मैं स्वार्म नहीं साता। अभी अपने बॉक्स को चेक कीजिए, जो भी भाई स्वार्म ले रहे हैं अभी जो पहाड़ी एरिया में है, देखिए कितना बड़ा स्वार्म निकल रहा है इससे, काफ़ी बड़ा स्वार्म, मगर मैं इसका स्वार्म नहीं लूँगा फ्रेंड। ये काफ़ी बड़ा बॉक्स था और काफ़ी बड़ा स्वार्म है इसमें, क्योंकि अभी स्वार्म लिया तो काफ़ी कमज़ोर कॉलोनी हो जाएगी मेरी। मेरे दो महीने पहले भी एक स्वार्म निकला, उससे दूसरा स्वार्म निकला, तीसरा भी निकल गया। ये देखिए कितना बड़ा स्वार्म है, ये मक्खियाँ पोलन लेकर भी आ रही थी, कितना बड़ा ये स्वार्म। मगर मुझे स्वार्म नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इस पिछले बॉक्स से 3 स्वार्म हुए, और 3 स्वार्म होने की वजह से मैं उस बॉक्स को चेक नहीं कर पाया। चेक ना करने के कारण मधुमक्खियाँ जो थोड़ी बची थी वो भी भागी, तो बॉक्स वो खाली हो चुका है। और ये देखिए काफ़ी बड़ा ये स्वार्म निकल रहा है फ्रेंड, थोड़ी देर से देखिए इसका नज़ारा। ये देखिए, मैंने थोड़ा इसे अंदर की ओर धक्का दिया है, और मधुमक्खियों को क्या किया मैंने, क्वीन सेल जो बने थे सारे रिमूव कर दिए, मैंने फेंक दिए सारे, और जो ड्रोन छत्ते बन रहे थे थोड़े बहुत ड्रोन छत्ते को भी मैंने बाहर निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि मुझे अभी ना ड्रोन चाहिए और ना ही मुझे स्वार्म चाहिए, मुझे चाहिए अभी सीधे बॉक्स स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग बॉक्स होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड। ये देखिए आप, ये देखिए मधुमक्खियों के साथ व्यवहार, देखिए इसे मैं अच्छे तरीके से अंदर डाल रहा हूँ, थोड़ी नीचे गिरी, थोड़ा मैं इसे अंदर डाल रहा था। ये देखिए मक्खियों को चेक कर रहा था कि इसमें क्वीन तो नहीं है, इसमें क्वीन, क्योंकि मुझे क्वीन दिखी नहीं ना, क्वीन अंदर है कि बाहर है कि झुंड में, इसमें क्वीन को चेक कर रहा था मगर दिखी नहीं फ्रेंड। ये देखिए अब कितनी फास्ट तरीके से अंदर जा रही है मधुमक्खियाँ। आप भी अच्छे अच्छे ट्रैप बनाएं, ट्रैप की वीडियो मैं डाल दूंगा, इसके बाद एक ट्रैप की वीडियो आएगी फ्रेंड, जो मधुमक्खियों को किस तरह ट्रैप करते हैं, मधुमक्खियों को किस तरह से बिठाते हैं, और किस तरह मधुमक्खियाँ अपने आप आएगी, क्योंकि आजकल काफ़ी दबा के काम चला है, काफ़ी ज़्यादा स्वार्म आ रहे हैं, अरे परे जा रहे हैं, मगर मेरे पास अभी एक स्वार्म नहीं आया, क्योंकि स्काउट बीज लगी थी, कारण बारिश होने के कारण वो आया नहीं कुछ स्वार्म, पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा। देखिए कितना बड़ा झुंड जा रहा था मेरा स्वार्म करके, और मुझे अभी स्वार्म नहीं चाहिए। देखिए
इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि क्वीन कहाँ पर होगी, मगर क्वीन दिखी नहीं है। और मधुमक्खियों की वाइब्रेशन इतनी अच्छी लगती है ना मुझे हाथ में लेकर, जब मधुमक्खियाँ अपनी वाइब्रेशन करती है और ऐसे इसे उड़ाने में इतना मज़ा आता है फ्रेंड की पूछिए मत। मुझे काफ़ी मज़ा आता है मधुमक्खियों के साथ जब मैं हाथ में लेता हूँ और मधुमक्खियाँ एकदम से ही उड़ती है, तो काफ़ी मज़ा आता है उसे देखने के लिए। ये देख पा रहे होंगे आप। और मैंने थोड़ी मधुमक्खियाँ क्या किया, इस बॉक्स के अंदर डाल दी, क्योंकि इसमें मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा आपको कि मधुमक्खियाँ सब मधुमक्खियों को डालते हैं अगर क्वीन नहीं होती है तो मधुमक्खियों का व्यवहार किस तरह हो जाता है, वो भी एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्वीन को एकदम ही अंदर जाते देखा, तो मैं ये थोड़ी नर्स वीज और थोड़ी बहुत झुंड लगा था नीचे डाल रहा हूँ। इसके नीचे एक बॉक्स है खाली, उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि देखते हैं मधुमक्खियाँ कैसा वाइब्रेशन देती है, मधुमक्खियाँ किस तरह वाइब्रेशन देती है। फ्रेंड ये देखिए इस तरह का बॉक्स बनाया है और इसके नज़दीक ही है ये देखिए यहाँ से स्वार्म कर रहा था। अभी मैं इसको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि नेक्टर फ्लो काफ़ी अच्छा चला है फ़िलहाल। अभी ये देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा मोबाइल में थोड़ी दिक्कत हो रही थी पकड़ने में क्योंकि अकेले ही वीडियो बना रहे, अकेले ही डाल रहे थे। देखिए नीचे से ऊपर की ओर आ रही है मक्खियाँ। इसे हमने अच्छे तरीके से अंदर करना है और जितने भी क्वीन सेल होंगे वो उसे निकाल दूंगा मैं, हर क्वीन सेल को निकाल देंगे और ड्रोन छत्ते को भी फेंक देंगे नीचे, उनको भी निकाल देंगे फ्रेंड क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए आप किस तरह से वाइब्रेशन करके अंदर जा रही मक्खियाँ, देखिए सारा देखिए थोड़ा बहुत इसे भी साफ कर देते हैं फ्रेंड। अभी बॉक्स को नहीं दिखाऊंगा फ्रेंड मैं अच्छे तरीके से आपको, क्योंकि कई भाई का प्रश्न रहता है। एक भाई का प्रश्न आया था कि मेरे बॉक्स में मुक्स पानी लग रहा है तो क्या करूं मैं। भाई आप एंट्रेंस के बिल्कुल पीछे की साइड एक होल कीजिए और जाली लगाइए उधर, ताकि उसका मॉइस्चर जो उसका भाव बनेगा वो पीछे की ओर आएगा। ये देखिए इसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफ़ी मधुमक्खियों को मैंने इसमें डाल दिया, अब इसका एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे आपको। ये देखिए तो कुछ देर के बाद जब इनके पास क्वीन नहीं होती है तो मधुमक्खियों की वाइब्रेशन इस तरह होती है। कई भाई बोलते हैं कि हम स्वार्म लेके आए मगर इसमें क्वीन नहीं है, तो क्वीन देखने का यही है, जब बॉक्स में क्वीन नहीं होती है तो मक्खियाँ काफ़ी हल्ला मचाती है। देखिए आप किस तरह शोर करती है मक्खियाँ।